खान फैमिली हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती है। खान फैमिली जहां भी स्पॉट की जाती है, अपनी बेहतरीन बॉन्डिंग के जरिए हमेशा ही सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि खान परिवार के सदस्य अपने इंटरव्यूज में एक दूसरे पर भरपूर प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं। हाल ही में दबंग खान सलमान खान ने भरपूर प्यार लुटाया है अपने छोटी जीजा यानी कि एक्टर आयुष शर्मा पर। सलमान खान की बहुत ही लाडली है उनकी छोटी बहन अर्पिता खान शर्मा। पूरा ही खान परिवार अर्पिता से बेहद प्यार करता है, तो वहीं आयुष शर्मा से भी वह बेहद प्यार करती है। इन दिनों आयुष और सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। 26 नवंबर के दिन ये फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है और इस फिल्म के प्रमोशन में सलमान और आयुष काफी ज्यादा व्यस्त हैं। प्रमोशन के दौरान सलमान और आयुष कई बड़े खुलासे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी हां, पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे सलमान और आयुष। वेल, आयुष शर्मा की ये दूसरी फिल्म है। इससे पहले आयुष शर्मा फिल्म लव यात्री में चॉकलेटी बॉय के तौर पर नजर आए थे, लेकिन इस बार वह विलन के किरदार में नजर आ रहे हैं। आयुष के किरदार का नाम राहुलिया है और अपने इस किरदार पर उन्होंने काफी मेहनत भी की है। वहीं खान परिवार को आयुष ने बहुत ही शानदार तोहफा यानी कि उपहार दे दिया है। ऐसे में खान परिवार उन पर गर्व महसूस करते हुए भी देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में सलमान खान ने आयुष के राहुलिया किरदार के बारे में बातचीत की है। सलमान खान कहते हैं कि मैं हैरान था, लव यात्री से अंतिम में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उन्होंने फिल्म में इतनी मेहनत की है कि इंशा अल्लाह उनके काम की जरूर सराहना की जाएगी। वहीं डायरेक्टर महेश मांजरेकर ने कहा है कि आयुष ने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वास्तव में कड़ी मेहनत की है। हमें बहुत टफ लुकिंग लड़की की जरूरत थी। मुझे एहसास हुआ है कि इस लड़के में बहुत जुनून है, वह बेहद फोकस्ड है, वह जानता है कि वह क्या करना चाहता है। मुझे लगता है कि उन्होंने शानदार काम किया है। मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री से कोई और राहुलिया को इतने शानदार और इतने भरोसेमंद तरीके से निभा सकता था। इस किरदार को लेकर आयुष भी काफी ज्यादा खुश है। वह अपने कैरेक्टर को लेकर कहते हैं और टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखना था जो स्क्रीन पर एक मजबूत कैरेक्टर था। मुझे बहुत विश्वसनीय रखना चाहता था। वास्तविक में जीवन में एक गैंगस्टर जो शायद एक आदमी की तरह दिखे, बस उसके पास ट्रिगर खींचने की शक्ति है। इस तरह से दबंग खान और आयुष ने अपने दिल की बातों को शेयर किया है। आयुष की काफी तारीफ की है सलमान ने, जो आयुष के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। तो वहीं जिस तरह से आयुष ने पूरे खान परिवार को चौंका दिया है, उनके लिए भी वाकई में गर्व महसूस करने वाली बात है। फिलहाल देखा जाए तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार इस फिल्म के जरिए आयुष किस तरह से कमाल करके दिखाने वाले हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़।